ट्रायंगल, ध्यान से देखना तुम लोग का चैप्टर सारा। ट्रायंगल हम लोग कहते हैं आप क्लोज्ड फिगर, आप क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल का डेफिनेशन है अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। ओके, जैसे मान के चलिए ये क्या है, तीन, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। ओके, और ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट है, और ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट। ये क्या, तीनों मिलके एक क्लोज फिगर बनाया। यस सर। हैं, अगर क्लोज फिगर बनाया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। ओके, अब बात आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आता है सबसे पहला एक्यूट राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल, और फिर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग किसके किससे बोलेंगे, जिसका पूरा साइड इक्वल हो। ओके, ये मान के चलिए दो फिगर है। ओके, ए बी सी, और ये क्या है, डी ई एफ। ओके, मतलब अब अपन लोग जिक्र करेंगे किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ओके, जैसे मान के चलो और तुम हमारा क्लासमेट है। ओके, तो क्या है, दोनों इक्वल हो कि नहीं इक्वल हो? सर, हैं, इक्वल हो तब मान के चलिए इसका क्या होता है, तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अब बात आते हैं हम लोग आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं जिसमें दो साइड इक्वल होता है। जैसे मान के चलिए ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, और ये क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब कहने का मतलब यही है कि जिसका दो साइड इक्वल है, मतलब अपन लोग कहेंगे कि ए बी इक्वल टू डी, नहीं, दो ट्रायंगल है। ओके, ये दोनों साइड, ओके, ये दोनों साइड क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, अब ये भी ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ, यानी डी ई इक्वल टू क्या होगा, डी ई इक्वल टू डी एफ। ओके, अब देखिए जब दो अपोजिट साइड इक्वल है, ध्यान से सुनना, जब दो अपोजिट साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा आइसोसेलिस में, तो क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, समझा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और इसमें क्या होगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि जब देखो जब दो अपोजिट साइड इक्वल होता है तब दो अपोजिट एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, जब दो अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा। सर, और यहां पे एंगल डी और एंगल एफ हो सकता है? नहीं, ये एंगल, क्योंकि ये दो साइड है ना, तो एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा। ओके, और क्या होगा, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ। ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, समझा? यस सर। हैं, यस सर। आओ मैं मैथ को बनाए और आसान। ओके, अब आते हैं एस्केलन ट्रायंगल। एस्केलन में जिसका कोई साइड बराबर नहीं होता है, जिसका कोई साइड बराबर नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्केलन ट्रायंगल। ओके, अब आता है, अब एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को बांटा गया है, एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को बांटा गया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये तो बात आप जानते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक हम लोग का क्या चीज है, ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस एंड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कहने का मतलब है, यानी इनइक्वालिटीज का साइन हम लोग किसे डिनोट करते हैं, इनइक्वालिटीज का साइन हम लोग किसे डिनोट करते हैं, इनइक्वालिटीज का साइन हम लोग ग्रेटर देन है, फिर क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब क्या है, हम लोग इन साइनों से किसको डिनोट करते हैं, इनइक्वालिटीज को। इनइक्वालिटीज को वैसा इक्वेशन जो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू से जिक्र किया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज। ओके, अब बात करते हैं ट्रायंगल का। यहां पे कह रहा है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके, जिसका शेप क्या होना चाहिए, जैसे देखिए सेम होना चाहिए, हां, ये दो सर्किल है, ये दोनों सेम शेप है। ओके, अच्छा, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आइए, ट्रायंगल है, ओके, ये दोनों क्या है, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, सेम साइजेस होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट किसे बोलेंगे, कि जिसका सिंबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। आप देखो अब कॉन्ग्रुएंस का सिंबल किससे डिनोट करते हैं, कॉन्ग्रुएंस का हम लोग सिंबल इससे डिनोट करते हैं, किससे,
इस लाइन से डिनोट करते हैं, ओके congruence. अब क्या हो रहा है कि टू लाइन सेगमेंट्स आर congruent इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल. मतलब दो लाइन को हम लोग congruent तब बोलेंगे जब उसका लंबाई क्या होगा, इक्वल होगा. जैसे तुम दोनों हो, वो लंबा है तुमसे और तुम छोटा है, तो क्या तुम दोनों congruent है? नहीं ना. अगर तुम दोनों का लाइन लेंथ सेम रहेगा तो क्या होगा, इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यही बात है कि टू लाइन सेगमेंट आर congruent ओनली व्हेन देयर शेप एंड साइजेस आर इक्वल. समझ रहे मुस्कान? हां, तो ओनली देयर